वेलकम बैक माय चैनल। आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये आज 19 जुलाई है और 19 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का आपके साथ मैं ब्लॉग शेयर करूँगी। आई होप कि आपको पसंद आए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। 19 जुलाई को क्या है, 19 जुलाई को कुछ नहीं। 19 जुलाई को मेरी बर्थडे है, तो मेरी बहन, मेरे घर वालों ने एक दिन पहले मैंने सेलिब्रेशन किया, बच्चों को पार्टी दी और हम लोग पार्क गए और दूसरे दिन मेरे हस्बैंड की तरफ से दोनों आपके साथ वीडियो शेयर किए। आई होप कि आपको पसंद आए। उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरे चैनल पर नए आए, और पुराने का भी शुक्रिया अदा कि उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और अपनी दुआ में याद रखा। और नए लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे चैनल पर आए, मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो मेरे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका, बहुत थैंक्स। और यूँ ही मेरे चैनल पर बने रहेगा। थैंक यू। अली आप इस वाले से आओ, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। ऊपर से आओ, ऊपर से लाइट करते हैं। अली गिर जाएगा। अली उस बच्ची को आने दो। आ जाना। आओ जैनब। जैनब आप आओ, आपको नहीं कह रहे।
और अभी हमने पॉपकॉर्न लिए। पाल पाल हो रहा है दोनों बहन भाई का। बिरयानी इसमें भी है। फिर हमने रात का खाना खाया और इसके बाद अली मेरे केक की सेटिंग कर रहे थे और मेरा था नहीं रहा था केक काटने का, पर हस्बैंड लेकर आए। तो फिर हमने फिर छोटी सी घर में सेलिब्रेशन करी। मम्मा और बहन ने मेरी 19 जुलाई को करी थी और ये मेरे हस्बैंड ने 20 जुलाई को करी थी, जिससे मेरी बर्थडे होती है। तो वैसे मैं 19 की रात में, रात 12 बजे पैदा हुई थी, तो मेरी 19-20 दोनों ही लग जाती है। और क्या नाम है, बस अभी हमने फ्रेंडी सेलिब्रेशन करी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। वैसे मैं बर्थडे मनाती नहीं हूँ क्योंकि वैसे पर ये कि माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी मेरी बर्थडे हर साल करते हैं और मेरे घर वाले भी मेरी हर साल करते हैं। सबसे छोटी नहीं थी घर में तो लास्ट में केक कटता था, तो माशाल्लाह केक तो दोनों बहनों की बर्थडे पे कटता है, पर मम्मा और बहन लास्ट में मेरी बर्थडे पे मुझे कहीं ना कहीं लेके जाती हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं हम सब लेके जाते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। बच्चे भी बहुत खुश थे और बहुत इन्जॉय बच्चों ने भी करा, क्योंकि कल पहले पारक गए थे, उसकी थकन थोड़ी उतरी थी और फिर उसके बाद आज हस्बैंड ने सेलिब्रेशन की और कुछ खास नहीं था। वैसे प्लान तो कुछ और था हस्बैंड का बाहर लेके जाने का, पर मैंने घर में ही खाने का कर लिया था और फिर उसके बाद केक बस ये लेकर आ गए थे। हम जैनब की दवा लेने गए थे तो वापसी में हम ना केक लेकर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जैनब ठीक है, सिर्फ उसके दानों का जो एक मरहम होता है, आजकल जो बच्चों को दाने हो रहे हैं, बस उसका एक मरहम लेने गए थे और कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से ठीक हैं।
और बस अभी सेलिब्रेशन हो गई है, अब सब कुछ, अब बाद में अपने काम से फारिग होकर नमाज़ पढ़ के अपने बर्तन धोकर धो के इसके बाद में छोटी सी वीडियो बच्चों के साथ बनाऊँगी। आई होप कि आपको वो पसंद है और अली की और जैनब की छोटी मीठी हरकतें आपके साथ शेयर करूँगी। आज अपने बिले में बिछाए, ऐसे नहीं करो, प्लेट उस हटे। मेरा है ये, मेरा सस्ता सा गिफ्ट है। हाँ, मेरी राइटिंग को ज़्यादा ही गंदी है, मैंने बड़ा बड़ा लिखा था इसलिए गंदा लिख रहा है, पर मेरी इतनी भी गंदी नहीं है, है अच्छी। क्या लिखा है? मेरे को शर्म आती है। तो गाइस, आप लव यू टू, हैप्पी बर्थडे वजिया माय। अच्छा, ये माय सबसे इधर का था। हाँ, ये दिया है कि पापा डेली मम्मा को गालियाँ, वो गालियाँ। हिलात ना रही ये क्या लिख के दे रही हो आप मुझे? अली ने तो मुझे मैसेज लिख के दिया, आप कुछ नहीं लिख के दे रही, स्माइल दे रही हो। ओए होए, ओए होए, किसका मैसेज आता है क्या? पूछो कभी। पापा की कार्बन कॉपी। मम्मा अच्छे पापा, इसने मुझे सुबह बोला था आई लव यू बोला था। मम्मा बोल दो आई लव यू मम्मा। मम्मा से ज्यादा प्यार करती हूँ पापा से। मम्मा अच्छे, पापा अच्छे, मम्मा पापा। क्या बोला बजी है मैंने? चल ये देखिए, दे दिया मैंने, बट मम्मा को मैंने पैसे नहीं दिए। यस, तो मैंने और चिंटू लाल ने सोचा कि हम अपनी ताजी खोपड़ी का यूज करके, बड़ी मेहनत थी हमारी, जमीन खोद खोद के बड़ी मेहनत, उसे इतनी मेहनत लग गई। अब ओवर हो रहा है। मुझे पता चल गया कि माँ बाप कितनी मेहनत से कमाई करते हैं, बट उस कमाई से मैंने ये जो कमाई खाई, रोते रोते अलविदा कह सकता हूँ गाइस, मैं अपनी माँ को देने जा रही हूँ, मतलब ये गिफ्ट के लिए। हाँ, लिफाफा, मेरे पास बजट नहीं था तो मैंने लिफाफा नहीं दिया। अच्छा, हम गिनते हैं कितने, ये 50 और 20 रुपए दिए थे और जैनब को 10 रुपए दे दिए। और ये जैनब की तरफ से। ये देखें एक बार, ये एयर कंडीशन चल रहा है ऊपर और ये दोनों बिल्कुल ना बदतमीजी ही शेड उतार के सोते हैं। इतनी भी गर्मी नहीं है, कब चलो शेड पहनो, चलिए लिए अपने अपने। चलो जैनब कमीज पहनो, जैनब को तो मुझे दवा लगानी है इसलिए अभी जैनब को नहीं। अली आप तो पहनो, पूरा पाकिस्तान में ही है। मैंने आज ही धुले भी कवर चढ़ाए थे सब कुछ, और आज ही तुम लोग ये सब खराब करो। अभी नींद है मेरा पर अली, थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यारे हो, पर आप लोग ये रख लो, मुझे नहीं चाहिए, आपकी सिर्फ दुआएं चाहिए। बस गाइस, मुझे आपके लिए एक गुड न्यूज भी बतानी थी, बहुत जल्द आपको बहुत थोड़ी सी एक गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज ये है कि मैं 4-5 महीने बाद, आप लोग 4-5 महीने बाद, मेरी बर्थडे के 1-2 दिन बाद आपको मिलने वाला है एक सरप्राइज गिफ्ट। वेट करना होगा उसके लिए, इसके लिए आपको मेरी मदर का जो चैनल है उसको देखना होगा, उसमें बन के रहना होगा, सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी तरीके की मस्त वाली वीडियो आपको देखने को मिले। और वो जो सरप्राइज है वो मैं आपको बताऊँगा 18 अक्टूबर को, वो भी सरप्राइज बताने वाले हो, तब भी एक दिन बाद। आप एक दिन पहले बता रहे हो, 19 को आपकी बर्थडे, तो 18 को बता। देखिए कमरे की लोग ऐसी हालत कर देते हैं, सारे कवर ओवर सब दर कर देते। और आज मैं बहुत खुश हूँ, आज अली ने मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट दिया,
इस कमरे की जो सफाई की थी ना वो अली ने की थी, डस्टिंग भी अली ने की, कवर अली ने मेरे साथ चढ़ाया, इसमें हेल्प की और माशाल्लाह सारे काम किए अली ने, सिर्फ इस कमरे की ओनली। अब इतनी तारीफ ना करो, शर्म आती है।